दर्शकों, हमने अपना पहला वीडियो जो दिया था उसमें आपको सुशांत सिंह का जो आत्महत्या या हत्या इसके बारे में जो एडवोकेट विभोर आनंद का जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या हुई है और उसका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ है डार्क वेब पर, उसके बारे में बताया था। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में जाकर के लिंक पर क्लिक करके उसको वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मुझे उस वीडियो पर अपने कई दर्शकों का सब्सक्राइबर्स के कमेंट भी मिले कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि हत्या हुई हो और उसका डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग हुआ हो। आज इस वीडियो में मैं दो चीज़ें रखना चाहता हूं कि नंबर वन कि डार्क वेब में ज़रूरी है एक शब्द है, टर्म जिसे कहते हैं, वो है रेड रूम। रेड रूम क्या होता है कि एक रूम होता है जिसमें कि रेड लाइट लगी रहती है और पूरा रेड रेड दिखता है, क्योंकि रेड आपको पता है कि एक अटेंशन वाला कलर होता है, एक खतरनाक वाला कलर होता है। तो रेड रूम होता है, उसमें क्या होता है कि डार्क वेब का यूज़ करने के लिए किसी का किडनैप किया जाता है। मैं फिर से कह दूं कि कोई भी डार्क वेब में एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वह अपराध है। इस वीडियो का उद्देश्य कतई नहीं है कि डार्क वेब में आप एक्सेस करें। तो उसमें क्या होता है कि किसी को भी किडनैप किया जाता है, किडनैप करके उसको रेड रूम में लाया जाता है और रेड रूम में उसके साथ वह अमानवीयता, वह अत्याचार, वह गलत काम, वह अपराध किया जाता है जो उसको सब्सक्राइब करे हुए हैं लोग पैसे दे करके या जो विदेशी करेंसी दे करके, वो जैसा पसंद करना चाहेंगे, जैसा देखना पसंद करना चाहेंगे उसके अनुसार उसके साथ वो किया जाता है जघन्य कर्म। तो आपने देखा होगा खबरों में भी कि जब सुशांत सिंह की जो लाश मिली थी, चाहे वो आत्महत्या के बाद मिली हो या हत्या के बाद मिली हो, वो उसके घर में ही मिली थी। यानी कि एक पॉइंट ये क्लियर होता है कि सुशांत सिंह का डार्क वेब के लिए या रेड रूम के लिए किडनैप नहीं किया गया और उसको रेड रूम में नहीं लाया गया और उसके साथ इस तरीके से हत्या नहीं की गई कि उसका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ हो। दूसरी बात होती है, एक शब्द पे आप जाइए जो कि एडवोकेट विभोर आनंद ने कहा कि लाइव स्ट्रीम, मर्डर का लाइव स्ट्रीम हुआ। लाइव क्या होता है? लाइव होता है कि कोई भी घटना घटित हो रही है, उस पर कैमरा लगा हुआ है और उसका जो ऑनलाइन, जब हम उसका एडिशन दिखाते हैं, जब ऑनलाइन उसको दर्शकों तक पहुंचाते हैं किसी भी माध्यम के द्वारा, तब उसको हम लाइव कहते हैं या उसको लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो क्योंकि आप देखा होगा कि जब ये मामला हुआ और उसकी लाश पाई गई, तो उससे दौरान, उससे पहले उनके घर पर उनके जो भी सदस्य वहाँ मौजूद थे, उसके अलावा उसके कमरे में क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं देखी गई या पुलिस को पाई ऐसी व्यवस्था कि वहां पर ये पाया गया हो कि इसमें किस तरीके का वीडियो फिल्माया गया था या व्यवस्था की गई थी इंटरनेट की या व्यवस्था की गई थी लाइव स्ट्रीम की। तो यानी कि दो पॉइंट यहां पर क्लियर होते हैं कि ना तो लाइव स्ट्रीम के लिए कोई संसाधन की व्यवस्था वहां पर संभव थी, ना उसमें रेड रूम के माध्यम से इसको लाइव दिखाने का, उनको किडनैप करके, सुशांत सिंह को किडनैप करके उसके साथ इस तरीके की हत्या का फिल्माने का ऐसा कोई भी जघन्य कर्म नहीं देखने को मिला। यानी कि दो बातें क्लियर हैं कि जो ट्वीट है एडवोकेट विभोर आनंद का, वहाँ ये डार्क वेब और रेड रूम और हत्या और उसका लाइव स्ट्रीमिंग, इस जैसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगली बात कि अगर मैं मानता हूँ कि एडवोकेट विभोर आनंद ने ये बात सही कही है, अगर उसमें 1% की भी सच्चाई है, तो विभोर आनंद जी से द न्यूज स्कैन यह रिक्वेस्ट करता है कि जनहित में और जो सुशांत सिंह के चाहने वाले हैं, जो चाह रहे हैं कि पता लगे कि उसकी उनकी हत्या में किसका हाथ था, चाहे वो कोई भी व्यक्तित्व हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, बॉलीवुड का हो, किसी भी हॉलीवुड का हो, तो वो सामने आना चाहिए क्योंकि उनके चाहने वाले भी चाहते हैं। तो अगर एडवोकेट विभोर आनंद पर ऐसा कुछ वीडियो उन्होंने उस समय देखा, यानी कि अगर उन्होंने उस समय देखा, तो जो लाइव स्ट्रीम दिखाई जाती है, आपने भी देखा होगा कि वो रिकॉर्डेड भी हो जाती है, चाहे आप फेसबुक पे अगर लाइव करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, यूट्यूब पे लाइव करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड। तो अगर वो पहले जा सकते थे, एक्सेस कर सकते थे डार्क वेब में, तो वो फिर दोबारा उसमें एक्सेस करें। वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा किसी को कि वह डार्क वेब को एक्सेस करें, क्योंकि वो अपराध है। तो वो
उसको फिर से एक्सेस करें, उसका वीडियो रिकॉर्ड करें और सीबीआई को दें, और अगर वो द न्यूज स्कैन को इस तरीके से कोई वीडियो अगर उनके पास है तो वो भेज सकते हैं। हम अपने द न्यूज स्कैन के सब्सक्राइबर को और जो नहीं है सब्सक्राइबर उनको भी और पूरे विश्व को हम वो दिखाएंगे अपने द न्यूज स्कैन पे कि हाँ उनके ट्वीट में ये सच्चाई थी कि सुशांत सिंह की हत्या हुई और उसका लाइव स्ट्रीम हुआ डार्क वेब पे। और अगर उनके पास इस तरीके का वीडियो फुटेज नहीं है या वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं या एक्सेस करके वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर इस तरीके का ट्वीट आप समझ ही सकते हैं कि उसके उनका मंतव्य क्या हो सकता है। क्योंकि हमने पहले वीडियो में कहा कि इस तरीके के जो ट्वीट करना होता है उसका मंतव्य बस केवल पब्लिसिटी बटोरना होता है, सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस को हाइक करने के लिए होता है। इसी तरीके से हम आपको डार्क वेब, सुशांत सिंह और एडवोकेट विभोर आनंद लाइव स्ट्रीम से आगे जो भी और कोई अपडेट होगी वो हम आपके सामने लाएंगे। और अगर एडवोकेट विभोर आनंद ने इस तरीके का वीडियो जिसमें कि लाइव हुआ हो, लाइव स्ट्रीमिंग हुई हो डार्क वेब पर सुशांत सिंह की, वो अगर हमारे पास भेजते हैं तो हम उसको भी द न्यूज स्कैन पर जरूर दिखाएंगे। दर्शकों इंतजार कीजिए और देखते रहिए द न्यूज।